हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर, पार्ट वन एकेडमी। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। ये रहा प्रथम प्रश्न आप लोगों के सामने, चलिए एक कोशिश करके दिखाइए। अब देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे समझा जा सकता है। एक बर्तन में सर 80 लीटर शराब है, कितनी है 80 लीटर, 4 लीटर निकालकर उतना ही पानी डालना है। तो कोई भी चीज अगर उसमें से निकाली जा रही है और उतनी ही डाली जा रही है, इसका मतलब वो रिप्लेसमेंट है। यानी कि 4 लीटर निकाला जा रहा है, किसमें से 80 लीटर भरा हुआ है, यानी कि एक हिस्सा निकाला जा रहा है 20 में से। 20 में से अगर एक हिस्सा निकाला जा रहा है तो बचेगा कितना, 19। और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी कि 20 से 19। क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ है उसी में से ही तो निकलेगा अब, इसलिए तो सक्सेसिव केस है बस। यानी कि अगर स्टार्टिंग में अगर 400 है तो बचेगा कितना, 361। स्टार्टिंग में 80 है तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि सर एक बराबर 0.5, 0.2 है ना, क्योंकि अगर आप एक रेशो की वैल्यू चाहते हो तो 80/400 होगा और एक बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0.2। यानी कि बर्तन में शराब की शेष मात्रा कितनी है, यही शेष मात्रा है। तो ये आंसर कितना आएगा, 72.2 लीटर। इतनी शराब आपकी बर्तन में अभी बची हुई है। तो ये जो पार्ट होता है, ये वाला, ये होता है बची हुई मात्रा को बताता है। जो भी स्टार्टिंग में था, जैसे शराब थी स्टार्टिंग में, तो उसी की बची मात्रा है। अच्छा ये बताओ पानी कितना होगा आपके इसी कंटेंट में, पानी कितना होगा, वाटर कंटेंट कितना होगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 400 और 361, इसमें से ये घटाओगे तो जैसे कि आपको पता लग रहा है 39 रेशो पानी होगा, और एक रेशो की वैल्यू आपको पता है 0.2 है, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 7.8 लीटर होगा। तो 7.8 लीटर आपका वाटर कंटेंट है और ये आपका बचा हुआ शराब है। अगला प्रश्न बनाएंगे, देखिए आप लोग खुद बनाएंगे और आंसर निकाल के दिखाएंगे मुझे। चलिए आइए, 72 लीटर दूध है सर, 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, तो 6 निकाला जा रहा है 72 में से, तो 1/12, तो 12 यूनिट में से 1 यूनिट अगर निकाल दिया जा रहा है तो बचा हुआ हो जाएगा 11। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, एक बार और दोहराई जाती है और 12 से 11। यानी कि अगर शुरुआत में 144 है तो बचेगा कितना, 121। ठीक है, ये क्या है, शुरुआत में इनिशियल जो भी मिक्सर था वो, ये जो है बचा हुआ और बाकी जो मिक्स किया गया है वो बीच का जो भी अंतर है इसका, ठीक है, ये मिल्क है। तो दूध की शेष मात्रा बताओ, तो 144 को आप 72 के बराबर करोगे तो 1 बराबर आपका 0.5 हो गया, यानी कि 121 का 0.5 ये हो जाएगा सर 60.5 लीटर। पहली बात तो ये 60.5 लीटर तो आपका क्या हो गया, बचा हुआ मिल्क हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वाटर कितना है, पानी कितना है ये बताओ। तो आप कुछ ना करें, आप देखिए कि सर इसमें से अगर आप ये घटाओगे तो ये आ रहा है 3, 23, 23, उसको आप 0.5 से गुणा कर दो, 11.5, ये आपका पानी हो जाएगा। तो इतना अगर आपका वाटर है, सॉरी इतना अगर आपका मिल्क है तो वो आपका वाटर कंटेंट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा।
अगला प्रश्न करके बताएं, आराम आराम से तसल्ली से करके बताएं क्या आंसर आता है, देखते हैं। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं यहां पर, मतलब निकाला जाता है पानी डाला जाता है, इसी तरह से चलेगा यहां पर, और यही इसकी पहचान है। देखिए सर कैसे करेंगे, एक बर्तन में सर 96 लीटर शुद्ध दूध है, एक चौथाई दूध को पानी से बदला जाता है, तो एक चौथाई दूध को बदला जाता है यानी कि चार से एक को बदल दिया, तीन बच गया, दोबारा एक चौथाई मिश्रण निकाला जाता है, उसे इतना ही पानी डाला जाता है, फिर से चार से तीन, यानी कि 16 अगर मिल्क है तो बचेगा कितना मिल्क, 9, ये इनिशियल है और ये बचा हुआ है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना है अभी, तो 9 तो आपका दूध है और पानी कितना है 7, 16 में से 9 गया तो यही पानी यूनिट है 7, तो 9:7 आपका उत्तर होगा ना कि कुछ और, तो 9:7 उत्तर होगा, 9 आपका ये बचा हुआ और पानी कितना है इसमें से घटा दोगे वही पानी। बहुत बढ़िया यार, सबके आंसर सही आ रहे हैं। अगला प्रश्न करेंगे इसी बात पर, आराम आराम से करना, तरीके से करना। देखिए मेरे मित्रों आ जाओ, सर एक डिब्बे में 100 किलोग्राम दूध है, उनमें से 10 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है, तो 10 किलोग्राम निकाल दिया तो 1/10, अब 10 में से अगर एक निकलेगा तो 9, 10 में से अगर एक निकलेगा तो कितनी बार दोहराई जा रही है, दो बार और दोहराई गई इसलिए 3 बार आया, यानी कि 1000 यानी कि 729, 1000 किसके बराबर है 100 किलोग्राम के, यानी कि अभी अंत में कितना दूध बचा 72.9 लीटर। मजा आ रहा है भाई, फोड़ पा रहे हो क्या, अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक किया करो, दिल से और बढ़िया तरीके से, और चौथा सेशन है और बढ़िया तरीके से हर चीज को कराया है, जिन्होंने वो नहीं देखा वो देख लेना, मजा सब में आया है। अगला प्रश्न करके बताइए, एक नंबर शानदार ये प्रश्न है, चल के बता करके बताओ, चलो आराम से। अब हर क्वेश्चन कैसे होता है वो भी समझना होगा। सर एक बर्तन में 3:2 के अनुपात में 30 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। अब देखो भैया, 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया जाता है सर, 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया और इसे पानी से बदल दिया जाता है, तो मैं ये कहूँगा कि 3:2 में मिल्क है और वाटर है, 10 लीटर निकलेगा वो भी 3:2 में ही निकलेगा यानी कि 6 और 4, और ये है भी 3:2 में यानी कि 18 और 12, निकलेगा कितना 6 और 4, वो भी 3:2 में निकलेगा 10, तो बचेगा कितना 12 और 8, लेकिन ध्यान रहे इसे पानी से बदल दिया यानी कि जो आपने 10 लीटर निकाला था उसे पानी से बदल दिया गया है, यानी कि दूध तो वही रहेगा लेकिन अब पानी जो है वो 18 हो गया, यानी कि जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 6:2 = 12 और 6:3 = 18, तो ये आपका नया अनुपात हो गया आफ्टर रिप्लेसमेंट 2:3। तो जिनका भी उत्तर 2:3 आ रहा है वही सही है और उचित भी है। अगला प्रश्न करेंगे, इसी तरह से करना है क्योंकि हर प्रश्न उस तरह से नहीं होगा सक्सेसिव लगकर, कुछ क्वेश्चनों के लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको। चलो लगाओ,
आइए मेरे दोस्तों, चलिए 240 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है सर, तो आप मिल्क और वाटर का मिक्सचर लिख रहे हो, 5:3 में है तो 8 बराबर अगर 240 है तो 1:30 हो गया, यानी कि ये हो गया 150 और ये हो गया कितना आपका 90। कोई दिक्कत? देखो 240 आ रहा है, 30% आपने निकाल दिया, तो 240 का 30% यानी कि 72 लीटर निकाला, तो उसी अनुपात में ना निकाला होगा, हाँ 1:9 यानी कि इसमें से निकला है 45 और इसमें से निकला है 27, देख लो भाई। तो भैया 72 लीटर जब मिश्रण निकाला उतना ही पानी डालेंगे, अभी रुक जाओ। तो मैंने देखा ये 105 तो मिल्क आ रहा है और 9 × 27 और 9 × 90 तो 9 × 7 = 63 और इसमें 72 और जोड़ दो जो कि पानी मिलाया ना उसी मात्रा में, ठीक है। अब 105 और ये हो गया सर 135, क्या आ रहा है 15 × 7 = 105 और 15 × 9 = 135, 7:9 आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। मजा आ गया क्या? अच्छा लग रहा है? फील कर पा रहे हो हर एक चीज को? तो तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप, रटना नहीं है कोई भी कंसेप्ट। चलिए अंतिम प्रश्न करके बताइए, आराम से करके बताओ, अंतिम प्रश्न है, ढंग से करो। अब देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, आप हमेशा कॉन्सेप्ट को समझना। सर दूध और पानी का 3:2 है, 30 लीटर निकालकर, तो 30 लीटर निकलेगा तो इसी अनुपात में और बचेगा जो मिश्रण वो भी इसी अनुपात में रहेगा, रेशो सेम रहता है हमेशा मिल्क और वाटर का। अब बोला जा रहा है कि उसकी जगह 18 लीटर पानी डाल रहे हो और अनुपात 1:1 कर रहे हो, आप क्या मिला रहे हो? पानी, तो वाटर मिल्क तो सेम करोगे ना, हाँ तो मिल्क सेम कर दिया मैंने, देख लो 3 और 3 तो 1:18 कितना है 18। कैसे पता चला? बोला है ना 18 लीटर पानी डालने पर, ठीक है। तो बोला कैसा, प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर बताओ तसल्ली से, तसल्ली से। मैं हमेशा कहता हूं कि यही तो फाइनल है मेरा, अरे यही तो फाइनल मिक्सर है। पता नहीं सर क्या कह रहे हो, मैंने कहा टेंशन मत लो आप, छोड़ो यहां तक। तो आप ये कह सकते हो क्या 18 × 5 = 90, यहां आपका 90 लीटर हो गया, लेकिन ये कब है 90 लीटर? 30 लीटर निकलने के बाद में 90 लीटर है, यानी कि शुरुआत में कितना होगा, शुरुआत में 90 + 30 120 लीटर होगा, इसका मतलब बोलिए हाँ या ना, यस। अब 120 लीटर होगा तो इन दोनों का अंतर पूछा है, 3:2 में था ना वो, तो 5:120 तो 1:24 लीटर और यही आंसर है भाई, क्योंकि जो अंतर है वो 1:1 ही है, तो 24 लीटर आंसर आ गया। अच्छा इंग्लिश गलत है तो मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, है ना, कोई इश्यू नहीं है, आप इस पर ध्यान दे लें थोड़ा सा हिंदी पर, तो हिंदी के हिसाब से आपका 24 आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है क्वेश्चन में, आप बस डेटा को हिंदी से मैच करा ले, हो गया काम। मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो 20% का ऑफर मिल रहा है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है, साहिल 10 लगाकर अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। रैंकर्स बैच में जुड़ो और बढ़िया डिस्काउंट के साथ जुड़ो, अच्छा पढ़ो, क्योंकि अगर टाइम से पढ़ लोगे तो सिलेक्शन आपके करीब होगा। रैंकर्स कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आप जुड़ जाना अनअकैडमी पर, SSC एग्जाम्स कैटेगरी में गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाना, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर साहिल 10 लगा देना। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा, सारे टीचर्स की क्लास मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। बस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आस्क ए डाउट, सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे मेमोरी बेस्ड पेपर में।